तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत सिंपल तरीके से आंसर करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब हम मसल गेन करने के लिए डाइट करना चाहते हैं, तब हम ये चाहते हैं कि बॉडी में हमेशा अमीनो एसिड अवेलेबल होनी चाहिए और बॉडी में इतने कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होने चाहिए कि हमारा बॉडी मसल को यूज़ ना करे एनर्जी के लिए। तो जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हम दिन में कम से कम 5 to 6 meals कंज्यूम करें और हर हर मील में एक सर्विंग लीन प्रोटीन जैसे चिकन ब्रेस्ट या एग वाइट्स, एक सर्विंग हेल्थी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटेटोज या वाइट राइस, एक सर्विंग हेल्थी होल फैट जैसे ऑलिव ऑयल या आलमंड्स, और एक सर्विंग फुल फाइबर होना चाहिए जैसे कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल। तो हर मील में चारों चीज़ होना ज़रूरी है और ये मील्स को हमको दिन में कम से कम 5 times कंज्यूम करना चाहिए और हो सके 6 times कंज्यूम करना चाहिए। इससे हमारे बॉडी में हमेशा अमीनो एसिड्स अवेलेबल रहेंगे और मसल गेन करना हमारे बॉडी के लिए आसान हो जाएगा। ट्रेनिंग के केस में हमारा मेन इशू ये होता है कि इनिशियल स्टेजेस में ग्रोथ क्रिएट करने के लिए हैवी वेट यूज़ करना ज़रूरी हो जाती है और ज़्यादातर लोग जिनका बॉडी वेट कम है या वो बिगिनर स्टेज में है उनका स्ट्रेंथ कम होती है जिसके वजह से वो मसल वेट भी गेन नहीं कर पाते। तो अर्ली ट्रेनिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए और मसल पर थोड़ा कम फोकस करना चाहिए और एक बार 1 या 2 साल के अंदर आपने एक अच्छा स्ट्रेंथ का फाउंडेशन बना लिया है फिर हम ज़्यादा डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट टाइप के ट्रेनिंग सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपर लोअर स्प्लिट रेकमेंड करता हूँ ज्यादातर बिगिनर्स को क्योंकि अपर लोअर स्प्लिट में हम ज्यादा बड़े एक्सरसाइज को यूज कर पाते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथ पे फोकस कर पाते हैं। और एक बार आपकी स्ट्रेंथ अच्छी लेवल तक पहुंच चुकी है यानी कि 100 kg का बेंच प्रेस आसान हो चुका है, 140-150 kg का स्क्वाट हो जाती है, 200 kg तक की डेडलिफ्ट हो जाती है, फिर हम या तो डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट या तो पुश पुल लेग्स का स्प्लिट यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग के लिए पुश पुल लेग्स का स्प्लिट ज्यादा सूटेबल होता है मसल गेन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी रिकवरी खराब होती है और वो लोग फिर डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट को यूज करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 95% केसेस में पुश पुल लेग्स ही सही रहेगा। तो एक बार हमने प्रॉपर वर्कआउट रूटीन सेलेक्ट कर दी है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ डेवलप कर दी है, हमारा फाइनल कंसिडरेशन आ जाता है कि कितना हार्ड ट्रेनिंग करना चाहिए और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम कितने सेट्स को फेलियर तक ले जा रहे हैं। जनरली मैंने ये देखा है कि अगर हम एक एक्सरसाइज में सारे सेट्स को फेलियर तक ले जाएंगे तो फिर हम उस बॉडी पार्ट के लिए दूसरा एक्सरसाइज को कर नहीं पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। कुछ लोग को कम एक्सरसाइज और ज़्यादा हैवी वेट यूज़ करना पसंद होता है, जिस केस में आप पर एक्सरसाइज 3 to 5 sets करोगे और सारे सेट्स में आप फेलियर तक जाओगे। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज की वैरायटी की जरूरत पड़ती है, तो फॉर एग्जांपल आप डोरियन येट्स की तरह हर बॉडी पार्ट के लिए 3 या 4 अलग एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन पर एक्सरसाइज आप सिर्फ एक हैवी सेट टू फेलियर करोगे। ज़्यादातर लोग के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सरसाइज वैरायटी सूटेबल रहता है, लेकिन पर एक्सरसाइज सिर्फ एक सेट टू फेलियर करना सूटेबल रहता है। तो जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 sets वार्म अप के लिए करो हर एक्सरसाइज में और फिर 1 set टू फेलियर करो जिसमें आप रिकॉर्ड सेट करने का कोशिश कर रहे हो। हर हफ्ता आपको ये कोशिश होना चाहिए कि या तो आप नया एक और रेपिटेशन करोगे या तो आप 2.5 kg ऐड करोगे। और जब आप कोई एक्सरसाइज में रिकॉर्ड नहीं सेट कर पाते हो उस एक्सरसाइज को रूटीन से हटा दो और उसके जगह एक नया एक्सरसाइज ऐड कर दो। ये सिंपल तरीके से ट्रेनिंग करने से आप कंसिस्टेंटली मसल साइज को इंक्रीज कर पाओगे और आपके पास एक बहुत ऑब्जेक्टिव ड्रिवन ट्रेनिंग होगा जहाँ पर आपके पास हर वर्कआउट के लिए एक टारगेट होनी चाहिए।